खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मेरा सारा मेकअप का सामान रखा हुआ है। अभी ना मैं यहाँ पे ऐसे खड़े होकर वीडियोस बना सकती हूँ। एक गाल पे भी लगी है शायद से। हाँ क्या है ये? ओ भाई पूरा भूत लग रहा हूँ मैं। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो चलो इनको ना वॉशिंग मशीन में डाल के आते हैं। गाइज हमारी मशीन घूमनी स्टार्ट हो गई है। 47 मिनट के बाद जाके देखेंगे कि क्या हालत हुई है एक्चुअल में टेडी बियर्स की। हाय गाइज गुड मॉर्निंग। मैं नहा ली हूँ और नहा के मेरे पहन लिया है ये नाइट सूट, क्योंकि यार गर्मी इतनी हो रही है ना और कुछ पहनने का मन ही नहीं करता है। सूट वगैरह मैं डालती हूँ ना मुझे गर्मी लगने लगती है उनमें, तो आजकल गर्मियों में ना मैं ये ढीले ढाले से अपने नाइट सूट ही प्रेफर करती हूँ। हालांकि नाइट में पहनने की होता है पर मैं दिन में ही डाल लेती हूँ। यार देखो भाई मौसम कितना मस्त हो रहा है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रखा है जो कि मेरा फेवरेट मौसम है। मुझे ना ये वाला मौसम इतना पसंद है ना, मतलब बारिश भी ना पड़ रही हो लेकिन एकदम बारिश जो आने से पहले वाला जो पीक टाइम होता है ना बिल्कुल, वो मेरा फेवरेट है। और गाइस पीछे आपको अलमीरा दिख रही होगी, तो ये अभी तक स्टोर रूम में रखी थी तो मैंने इसको बाहर निकलवा लिया, क्योंकि यार मैं इतनी सुंदर अलमीरा लेके आई थी। रुको मैं दिखाती हूँ अपनी अलमीरा। ये देखो ये है मेरी अलमीरा जो कि 3 डोर है, एंड इसमें यहाँ पर मिरर भी है एंड ये पेड़ भी लगा हुआ है। लाइट चली गई गाइस, आपका अलमीरा दिखाती। और ये इतनी सुंदर अलमीरा मेरी आशीष ने स्टोर में डलवा रखी थी, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, मैं इसको रूम में रखना चाहती थी तो फाइनली मैंने इसको बाहर निकलवा ली है। और खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मेरा सारा मेकअप का सामान रखा हुआ है, अभी मैस हो रखी है, किसी दिन पूरा अलमीरा का टूर करेंगे हम। बट अभी ना मैं यहाँ पे ऐसे खड़े होकर वीडियोस बना सकती हूँ। नाइट सूट में मैंने अपने प्रेस नहीं की थी, सुबह ऐसे ही फटाफट जल्दी में डाल लिया था, फिर मैंने सोचा यार कौन ही देख रहा है। और गाइज मैंने ना ये न्यू सेल्फी स्टिक भी परचेज की है, इसमें आप लोग देख सकते हो, देखो लाइट भी जलती है तो काफी हेल्पफुल है। और ना लाइट भी आ गई और ना इसमें ना और भी फीचर है, रुको मैं दिखाती हूँ। आप ना इसको ऐसे करके ना यहाँ पर ये इस तरीके से है, तो आप इसको खड़े करके भी अपना वीडियो शूट कर सकते हो। तो गाइज ये ना इस तरीके की सेल्फी स्टिक है, क्योंकि अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ तो ऐसे आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके की स्टिक है एंड आप इसको इस तरीके से स्टैंड भी कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको मिलती है ये डिटैचेबल यहाँ पर लाइट मिलती है, जिसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे, इसके साथ में छोटू सा रिमोट भी आया है जिससे आप बैठे बैठे यहाँ से क्लिक करके फोटोज अपनी क्लिक कर सकते हो, अपनी वीडियो को रोक सकते हो। बैचेस में शूट कर रही हूँ और मेरे को बार बार रोकना है तो मैं इसकी हेल्प से कर सकती हूँ। एंड इसके साथ में एक ये इस तरीके का वायर भी आया है जो कि आई थिंक अगर आपकी जो लाइट है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो आई थिंक उसको चार्ज करने के लिए, तो मुझे ना ये बहुत पसंद आई थी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मुझे मिली है। ये मुझे मिली है 400 समथिंग की। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर किसी को परचेज करनी होगी तो आप परचेज कर सकते हो। और गाइज कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो कोई ये मत सोचना। गाइज मौसम, ओ भाई बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर घूमने जाऊं कहीं, बट नहीं जा सकती हूँ। और गाइज देखो मैंने ना इसको पूरा बंद कर दिया है तो इतनी छोटी सी हो जाती है और ट्रैवल के हिसाब से भी काफ़ी हैंडी है, आप आराम से इसको अपने छोटे से बैग में रख के लेके जा सकते हो, कहीं पर भी आप इसके साथ में ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो जो नए उभरते हुए ब्लॉगर्स हैं उनका अगर एक अच्छी सेल्फी स्टिक में इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फी स्टिक और ट्राईपोड, मतलब ये दोनों का ही काम कर देता है और साथ में आपको इसकी छोटी सी लाइट भी मिलती है, तो लाइट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस टाइप के आपको काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बट सब में आपको लाइट नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं लिंक दे रही हूँ कि लाइट वाला ही परचेज करना, बाय चांस लाइट नहीं है रात के टाइम की बात है तब आपको काफी हेल्प करेगा ये। सब बेड हो गया है यहाँ पे बिल्कुल क्लीन, चाय बन के हो गई है रेडी, इधर बन रहे हैं हमारे पराठे जो कि मैं इसमें ये अचार का जो मसाला है
क्योंकि बाद में बचता ही वेस्ट ही होता है, तो इसको फिल करके ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर ट्राइंगल वाला पराठा बनाएंगे हम इससे। फोल्ड कर लिया है मैंने ऐसे, बस एक ही लेयर में लगाया था मैंने। अब इसको फटाफट से बेल लेंगे, फिर दिखाती हूँ कैसा बनता है ये। ये हमने बेल लिया है। ये देखो भाई, इस बच्चे ने मेरी सारी बिंदी खराब कर दी। और कहाँ कहाँ लगा रखी है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फेस दिखाओ अपना। ये देखो, एक गाल पे भी लगी है शायद से। हाँ बेटा, आप मम्मा की सारी बिंदी खत्म करके ही मानोगी क्या? पता नहीं क्या इसको मजा आ रहा है। ये देखो, बेड पर लगा रहा है, कहाँ कहाँ लगा रहा है, सारे मेरे बैंगल्स उठा के ले आया। क्या है ये? एक कुंज। मम्मा की सारी बिंदी खराब कर रहे हो तुम। देखो 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 कुंज, प्लीज मम्मा की बिंदी मत खराब करो ना कुंज, प्लीज। हे, ये तो मम्मा ने ही लगाई है बिल्कुल सेंटर में। लगा भाई जान, क्या दुश्मनी क्या है आपकी इन रैपर्स से? ओ भाई, ओ भाई, क्या है ये? लाओ मम्मा उतार के देगी। ये फाइनली यू डिड इट, गिव इट टू मम्मा। वैक्सिंग हो गई गुंजू की। ओ भाई, बेटा पापा का तेल है ये, बहुत महंगा वो भी दे दे। अच्छा लो 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 लो, है नहीं इसमें, है नहीं है नहीं है नहीं। गाइज, मैं तो हो गई हूँ मस्त तैयार शूट के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ में रील भी शेयर करूँ, क्योंकि आजकल रील्स बहुत ट्रेंडिंग में रहती है। आजकल लोग क्या है, रील्स ही देखना पसंद करते हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि आपको डेली एक रील भी प्रोवाइड कर सकूँ मैं। लॉन्ग वीडियो तो डेली नहीं हो पाती है, बट रील का क्या होता है, आप एक साथ में 5-6 रील शूट कर सकते हो आसानी से, क्योंकि एक एक मिनट की आपको बनानी पड़ती है। तो मैक्सिमम जो रील का जो शूट रहता है, मतलब जो रॉ वीडियोज रहती है, वो 2-3 मिनट की बनती है। तो अभी ये वाला मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है और फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया, बस आईलाइनर लगाया है। लिपस्टिक तो ये मैंने सुबह ही लगा ली थी, तो अभी वही लगी हुई है। थोड़ा बहुत खाना वाना खाया तो थोड़ी सी मिट गई है। और आईलाइनर देखो, आज ना मैंने थोड़ा डिफरेंट सा आईलाइनर लगाया है। नॉर्मली मैं कम ही प्रिफर करती हूँ आईलाइनर लगाना, मैं बस मस्कारा लगा के फिनिश कर देती हूँ अपना मेकअप। तो फटाफट से अपनी रील की शूटिंग कर लेती हूँ। ओ भाई, पूरा भूत लग रहा हूँ मैं। गाइज, अभी ना मैंने एक रील शूट की है, आपको बहुत जल्दी देखने में मिलेगी, आजकल में ही मिल जाएगी, मतलब इस व्लॉग से तो पहले वो देखने के लिए आपको मिल जाएगी। मैंने उसमें एक हैक ट्राई किया था और यार, मतलब इतना रेड रेड हो गया है पूरा फेस ना, आईज भी पूरा रेड रेड हो गया है। तो अभी मैं बता के कुछ भी आपका सस्पेंस नहीं खराब करना चाहती, वो रील आप देखना तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या ट्राई किया था। अभी तो मैं खैर, मुझे और भी शूट करना है, लेकिन उससे पहले एक मुझे जरूरी काम है, तो मैंने इसलिए अपनी रील को छोड़ के बीच में मैं वो काम करने के लिए आई हूँ। गाइज, एक्चुअली क्या है, मुझे ना अपने ये प्यारे प्यारे से 2 टेडी बियर, इनको वॉश करना है, और मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इनको वॉश कैसे करते हैं। बट यार, हाथ से तो मुझसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको हाथ से वॉश कर पाऊंगी। तो प्लीज गाइज, मेरी हेल्प करो, मैं इनको कैसे वॉश करूँ। मैं ना इनको वॉशिंग मशीन में डालने की सोच रही हूँ, पर यार मुझे ना बहुत डर भी लग रहा है कहीं ये खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं आज इनको फर्स्ट टाइम पे वॉश कर रही हूँ। और मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, एक बार ये उसमें चले गए ना, फिर ये बाहर भी नहीं आएंगे। बीच में ये पूरा वॉश होके ही पता नहीं इनकी क्या हालत होगी। लेकिन यार, मैं हाथ से बिल्कुल नहीं वॉश करूंगी, क्योंकि हाथ से धोने में बहुत मेहनत लगती है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो चलो इनको ना वॉशिंग मशीन में डाल के आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे निकलेंगे।
तो ये रही हमारी वॉशिंग मशीन। लेट्स ट्राई इट। गाइज ये मैंने इसमें डाल दिया है और अभी ना मैं इसको डेलिकेट मोड पे ऑन करने वाली हूँ क्योंकि इट्स वेरी डेलिकेट। ओ गॉड सही से हो जाए। सो यहाँ पे इसमें टाइम दिखा रहा है ये 47 मिनट और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो गाइज हमारी मशीन घूमनी स्टार्ट हो गई है एंड आई एम वेरी नर्वस वेरी स्केयर्ड। गाइज मैं बहुत डरते डरते मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ, सॉरी कपड़े बोल रही हूँ टेडी बियर्स डाल के आई हूँ। बहुत डर लग रहा है यार मुझे, पता नहीं क्या हालत होगी उनकी, बट ट्राई तो मुझे करना ही था क्योंकि यार बहुत टाइम से वो मुझे वॉश करने थे, मतलब वो मेरे शादी के टाइम के हैं। गाइज मेरी अंडर आई पे जो कंसीलर लगा हुआ है ना, आई नो वो बहुत गंदा पॉपअप हो रहा है, बट वो मुझे एक हैक के लिए ट्राई करना पड़ा था और अभी मुझे और भी वीडियोस बनानी है तो मुझे दूसरा लुक क्रिएट करना है, इसलिए मैंने इसको अभी तक नहीं हटाया है। और गाइज मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी इसमें 47 मिनट दिखा रहा है, 47 मिनट के बाद जाके देखेंगे कि क्या हालत हुई है एक्चुअल में उन टेडी बियर्स की। पता नहीं यार उनके अंदर का जो वो उसमें भरा रहता है कॉटन, वो ख़राब ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। पर यार मेरे को वॉश करने थे क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल वाले गंदे हो गए थे। चलो यार देखते हैं क्या होता है, अब आर्या पार वाली सिचुएशन हो गई है, लेट्स सी यार क्या होगा। मुझे मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही है, अगर वो वॉश हो गए ना तो भाई मेरी बल्ले बल्ले, फिर तो मैं हमेशा उनका ऐसे ही वॉश किया करूँगी, मेरी जितने भी सॉफ्ट टॉयज है ना सब उसमें डाल दिया करूँगी कुंज के। लेकिन यार बस मेरा एक्सपेरिमेंट आज सही चला जाए क्योंकि अगर वो ख़राब हो गए ना मेरे को बहुत डांट पड़ने वाली है आशीष से। लेट्स सी क्या होता है। गाइस गुड इवनिंग, अभी मैं सो गई थी और देखो मेरी जो लिपस्टिक है वो टच से मस नहीं हुई बिल्कुल भी, एज इट इज़ लगी हुई है क्योंकि उस हैक के लिए मुझे कम से कम मैंने 7-8 लेयर लिपस्टिक लगाई होगी। और भाई मशीन का अभी मैंने हाल नहीं देखा जाके, अभी बस मैंने चाय पी है उठते ही, अब जाके मैं मशीन को देखूंगी कि यार क्या हुआ है मेरे टैडी के साथ में। यार आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मुझे ना, वैसे मैं दोपहर में बहुत कम सोती हूँ क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती है, तो पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या है। लंच में ना आम खाए जा रहे हैं, भाई आम का सीजन आ गया है ना तो अभी खाने में आम खाए जाते हैं, और आम खाने के बाद जो नींद आती है ना, इतनी नींद भर जाती है ना आँखों में मेरी, मैं रह ही नहीं पाती फिर सोए बिना। तो बस अभी जस्ट उठी हूँ और धक धक हो रही है यार, मैं उधर गई भी नहीं उस साइड वहाँ मशीन के पास में, अभी जाऊँगी। अभी तो लाइट भाग गई है तो लाइट चली जाती है तो उसमें पता ही नहीं चलता कि वॉश हुए या नहीं हुए क्योंकि वो पूरी बंद हो जाती है। तो मैं सोचूं जब लाइट आएगी तब जाके देखेंगे मशीन में क्या हाल हुआ है टेडी बियर्स का। अगर यार ख़राब हो गया ना सच में मेरे को ना आशीष इतना सुनाने वाले हैं ना, इतना सुनाने वाले हैं ना। गाइज लेट्स सी, अभी हम मशीन को खोल के देखते हैं क्योंकि लाइट का तो कुछ ज़्यादा पता चल नहीं रहा है। चलो गाइज खोल के देखते हैं मशीन को। वाओ यहाँ पे कितने अच्छे आ रही है हमें।
ओ माय गॉड, हमारा टैडी बिल्कुल सही हालत में है गाइस। अभी टैडी नंबर टू को भी देखते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही है एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक गॉड यार। सो देखो यार कितने चमक गए हैं, पहले कितने धूल भरे हो रखे थे, तो मैं अभी इनको यहीं पर ही छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा हवा लग जाए। वैसे तो अभी शाम हो गई है बट रात को मैं इनको उठा के ले जा लूंगी। गाइज अभी ना आशीष ना कावड़ देख के आए हैं और मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ कि यार मेरे को भी लेके चलो, पर अकेले अकेले जा रहे हैं। लेकिन इस संडे को ना मैं पक्का कावड़ देखने जागे रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए कुंजो और मैं दोनों जाएंगे साथ में। लेकिन आशीष ना मतलब इतने चालू है ना, उनको पता था कि मैं गुस्सा करती हूँ, जो वो घर पे आते हैं ना फिर कावड़ देख के अकेले अकेले अपने फ्रेंड के साथ में चले जाते हैं। तो मेरे को पटाने के लिए ना ये मेरे लिए ना पनीर रोल लेके आए हैं, मतलब इसमें यार काफ़ी मेयोनीज वगैरह इन्होंने डाली हुई है। सी पूरा इधर मेयोनीज है और ये बहुत यम्मी है। सो बहुत यम्मी है। आशीष हमेशा ना जब भी बाहर जाते हैं या जब उनको लग रहा होता है कि आज मैं गुस्सा करने वाली हूँ, तो वो ना मेरे लिए खाने को कुछ लेके आ जाते हैं। उनको पता है कि अपनी बीवी को कैसे मनाना है। इसमें पनीर है तो थोड़ा सा मैं इसको हेल्दी भी मान सकती हूँ, लेकिन ना बाहर का तो पूरा मैदा है ना। बहुत यम्मी है। आज जब से मैंने वो नूडल खाई थी ना, मैंने आज उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया था अब मेरे लिए बाहर का कुछ नहीं लग गया ना, उस दिन के बाद मैं आज खा रही हूँ क्योंकि आज मैंने उनको कुछ नहीं बोला था, वो खुद से लेके आए हैं मेरे लिए। चलो गाइस अब मुझे लगता है मैं डिनर तो नहीं कर पाऊंगी, मैंने करेले बनाए हैं आज तो बस आशीष जी खा लेंगे। मेरा तो हो गया डिनर, रात को वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा ही खाती हूँ, मतलब भूख से कम खाती हूँ, रात को कम खाना चाहिए ना, तो मैं भूख से कम खाती हूँ। लेकिन हाँ जितना भी हैवी खाया जाता है ना सब अड़गम सड़गम वो रात को ही खाया जाता है मैक्सिमम, क्योंकि आज शाम को आते हैं तो वो शाम को ही लेके आते हैं मेरे लिए, दिन में तो नहीं खाती मैं खैर कुछ उल्टा सीधा। यहाँ पे बन रहे हैं मेरे करेले, कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, पूरा अच्छे से भुन गए हैं। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मक्खी कहाँ से आ गई यार।